Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss what is caste and explain different characteristics of caste system. First of all, ये देखना कि caste क्या होता है. Then after this we can study its characteristics. ये जो caste होता है, we can say that caste is an endogamous group whose membership is based on birth. ये जो caste है ये endogamous, यानी इनको अपने ही group में marriage करनी होती है और इनकी membership caste की कैसे मिलती है, based on birth. इसकी membership based birth पर होती है. Occupation is traditional and hereditary. Restrictions on feeding and social intercourse are there. इनकी जो occupation होती है, ये क्या है, hereditary होती है. और restrictions of feeding and social intercourse are also there. Regarding strict restrictions are there regarding marriage. इसमें caste system में strict restrictions होती है regarding marriage. But it is very difficult to reach to any perfect definition of caste. लेकिन कोई perfect definition इसकी हमें नहीं मिलती है. Now let us discuss characteristics of caste system. Caste system के characteristics क्या होते हैं? नंबर वन है, मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन बर्थ. जो ये कास्ट सिस्टम, इसको मेंबरशिप कैसे मिलती है, इट इज बेस्ड ऑन बर्थ. नो वन कैन डिटरमाइन हिज कास्ट विथ हिज विश. कोई अपनी कास्ट डिटरमाइन अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकता है. मेंबरशिप ऑफ कास्ट इज बेस्ड ऑन बर्थ. Social status of the person was determined by his caste in which he takes birth. And the second one is restrictions on social relations. जो social relations होती हैं इस caste system में, इस पर restrictions होती हैं. ये ऐसे free नहीं होती हैं. People of higher castes were living in villages or cities. जो हायर कास्ट के लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? दे वर लिविंग इन सिटीज और विलेज. वायर द ऑफ लोअर कास्ट वायर लिविंग आउट ऑफ द विलेज. और जो लोअर क्लास के लोग हैं ये सिटी में नहीं रह सकते हैं, ये विलेज के अंदर नहीं रह सकते हैं. बट दे हैव टू लिव आउटसाइड द विलेज और आउटसाइड द सिटी. एंड नंबर थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑक्यूपेशन. कास्ट सिस्टम में ऑक्यूपेशन पर भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट्स हैड देयर स्पेसिफिक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन. यानी इसका जो रूल है कास्ट सिस्टम का, इसमें हर एक कास्ट को अपना स्पेसिफिक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है. पर्सन हैड टू अडॉप्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज ओन कास्ट इवन इफ द अदर ऑक्यूपेशन वेयर मोर प्रॉफिटेबल. मैन हैज नो चॉइस एक्सेप्ट adopting his caste's occupation. Function of brahmanas was to give education and to perform religious functions. Kshatriyas was to protect the country. Function of vishyas was to do agriculture and business, and lower castes served the upper castes. They had to perform their traditional functions.
इसमें अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं, ब्राह्मणों के अलग होते हैं, क्षत्रिय के अलग होते हैं और शूद्र राज वगैरह के अलग अलग होते हैं। दे कैन नॉट अडॉप्ट द ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू दियर विश। एंड नंबर फोर्थ वन इज रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। इस कास्ट सिस्टम में मैरिज पर भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। कास्ट सिस्टम वाज अगेन डिवाइडेड एंड डिफरेंट कास्ट्स वर डिवाइडेड इनटू सब कास्ट्स। दीज सब कास्ट्स वर स्टॉपिंग इट्स मेंबर्स टू मैरी आउट ऑफ इट्स ग्रुप। यानी इसके जो कास्ट उसके जो ग्रुप होते हैं, इसके सब कास्ट्स होते हैं, दे वर नॉट, ये सब कास्ट्स के जो मेंबर होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू मैरी आउटसाइड ऑफ दियर ग्रुप। एंडोगैमी इज द इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम। यानी कास्ट सिस्टम में ज्यादा एंडोगैमी फ्यूचर है, यानी इनको अपने ही ग्रुप में मैरिज करनी होती है। सम रेस्ट्रिक्शन दे हैड टू मैरी इन दियर ओन कास्ट। इफ एनीवन वाज ब्रेकिंग दिस रूल देन ही वाज जनरली थ्रोन आउट ऑफ हिज कास्ट एंड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू एंट्री एनी अदर कास्ट। इन दिस वे एवरी वन यूज टू मैरी इन हिज ओन कास्ट और सब कास्ट। अगर कोई कास्ट अपने ग्रुप से बाहर जाकर मैरिज करेगा तो उसको उससे बाहर किया जाता है और उसको दूसरे ग्रुप में भी मिलने नहीं देता है। इस तरह से हर एक है अब बाउंड टू मैरी इन हिज, यानी इंडोगामी इसमें जरूरी है। एंड द नंबर सिक्स वन इज सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स बाय कास्ट सिस्टम एंड द स्टेट्स। ये जो हिंदू सोसाइटी है कास्ट सिस्टम की बिना पर ये बहुत से सेगमेंट पर डिवाइड हुई है और स्टेटस की बिना पर भी ये डिवाइड हुई है। प्लेस एंड फंक्शन ऑफ एवरी पार्ट वर डिटरमाइंड बाय इट। दैट इज व्हाई मेंबर्स हैव सम कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ ए ग्रुप एंड वर थिंकिंग देमसेल्व्स एट द अनअवॉइडेबल एंड अनब्रेकेबल पार्ट ऑफ द ग्रुप। बिकॉज ऑफ द सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी द एरिया ऑफ इंटरेक्शन फॉर ए पर्सन इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड ऑन हिज ओन कास्ट। सेगमेंटल इस डिविजन के बिना पर ये जो लोग होते हैं इनको अपने ही इसमें रहना होता है। हिराकरी, हिराकरी, देयर इज ए डेफिनेट हिराकरी इन कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम है इसमें डेफिनेट हिराकरी होता है। ब्राह्मण वर्मा वाज गिवन द हाईएस्ट स्टेट्स इन दिस सिस्टम। ब्राह्मणों को हाईएस्ट स्टेटस दिया जाता है। क्षत्रियाज वायर दियर एट सेकंड प्लेस, विश्यास वायर गिवन थर्ड प्लेस एंड द लास्ट पीपल वायर गिवन द लोअर कास्ट। स्टेटस ऑफ एनी पर्सन इन सोसाइटी इज डिटरमाइंड बाय दिस हायरार्की। ब्राह्मणस वायर गिवन द हाईएस्ट रेस्पेक्ट एंड लोअर कास्ट वायर बैडली ट्रीटेड। हायरार्की की बना पर ब्राह्मण इनको अपर क्लास तस्वर किया जाता है और इनको रेस्पेक्ट दिया जाता है और जो लोअर क्लास होते हैं दे वायर बैडली ट्रीटेड। नंबर एट वन है रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड विथ कास्ट। कास्ट के साथ क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होती हैं। नंबर वन है पर्सन है टू अडॉप्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज ओन कास्ट। ये पहले भी हमने पढ़ा है, जो जिस ग्रुप का के साथ वाबस्ता है उसको वही ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करनी पड़ती है।
एंड नंबर सेकंड ही हैड टू मैरी इन हिज ओन कास्ट. ये हमने पढ़ा है इंडोगामी, इसमें ज्यादा होती है. The member of the group of any caste has to marry in his own caste. Number third one is lower castes were forbidden to get education and to enter in the temple. जो lower class के लोग हैं इनको education, इनके लिए मना होती है education हासिल करना, और इनको temple में भी enter नहीं होने देते हैं. And number fifth one is lower castes were also restricted to touch anyone and to take water from the wells. और जो lower ones हैं इनको ये किसी के साथ touch भी, upper class के साथ touch भी नहीं कर सकते हैं. और even दो ये upper class के कुएं से पानी भी नहीं ले सकते हैं. That is all. Have a good day.